हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंजू मिश्रा, आपका अपने चैनल हम और आप में स्वागत करती हूँ। आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपका मंगलमय हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाना आलू। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने अपना चॉपर ले रखा है। चॉपर में मैंने लहसुन, मिर्ची और प्याज को डाल के चॉप कर रही हूँ। और अब इसको बनाने चलते हैं। कढ़ाई मैंने गरम कर ली है। कढ़ाई में पहले मैं मखाने भूनूंगी, और मखाने भूनने के लिए देसी घी ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि मखाने जो होता है वो जिसमें भी हम भूनते ऑयल में वो सोख कर लेता है। तो यदि हम इसे ऑयल में फ्राई करते हैं तो उसमें फिर बाद में उसका टेस्ट आता वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको देसी घी में फ्राई करती हूँ। तो मखाने को मैंने देसी घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना है। और इसके बाद मखाने निकालने के बाद मैंने उसी कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है। और आपको देख के लग रहा होगा मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा है, बट नहीं, इसका बेस ऐसा है कि ऑयल डालते ही वो फैल जाता है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसमें मैंने ज़ीरा डाला है और 2 साबुत लाल मिर्च, तेज़पत्ता डाल के। और जब मेरा ये सब तड़क गया है और थोड़ा सा फिर मैंने हींग डाला है। और इसके बाद जो मैंने प्याज और लहसुन मिर्ची का चॉप किया, उसको चॉप किया था, वो इसको डाल के ऑयल में, और इसे भी मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। इसको हमें चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और ये देखिए, लगभग जो है प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। इसमें डाला है मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और लगभग 1 चम्मच धनिया पाउडर है। और इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाला है, इसलिए मैं इसमें लाल मिर्च बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ। और बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जो कलर के लिए है, इसमें तीखापन नहीं होता है। और इसको भी मैं फ्राई करने के बाद, 2 टमाटर मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिए थे, उसको भी मैं ऐड कर दूँगी और उसे मसाले में डालकर, और इसको भी हम भूनेंगे। और इसे भूनना हमें वही है तब तक जब तक ऑयल सेपरेट ना हो। तो ये देखिए, इसे लगातार मैं चलाते हुए भून रही हूँ। और यहाँ पर हमारा मसाला लगभग लगभग भून चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच दही। और दही को डालने के बाद हमें फ्लेम तेज करके और इसके बाद उसे लगातार चलाना चाहिए, वरना दही फट जाती है। तो देखिए, मैं इसे लगातार चला रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, हमारा मसाला भी भुनता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस सब्ज़ी बनती है। और आप फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी थी। तो इसको मैं भून रही हूँ, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट आलू की कोई भी सब्ज़ी हो उसमें बहुत बहुत अच्छी आती है, उसका जो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ देखिए, मसाला जो है वो भुन चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पे मैंने आलू बॉईल करके और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। तो यहाँ पर मसाले में मैं आलू ऐड कर दूँगी, और आलू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अब मखाने, और उसे भी आलू के मसाले में जो है हम उसे मिक्स कर लेंगे। और देखिए, कलर इसका कितना अच्छा आया है, और जितनी ये देखने में टेस्टी लग रही है सब्ज़ी, उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और ये सब्ज़ी जो है थोड़ा सा हल्की ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है, और हमें पानी इसलिए भी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि मखाने जो हैं वो पानी को सोख करके तभी फूलेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि मखानों को सोख करने के लिए भी पानी चाहिए और थोड़ी सी ग्रेवी के लिए भी चाहिए। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे अब नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप लोग। तो नमक डालकर, और इसके बाद इसमें जैसी हल्का सा खदका आएगा मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच से भी कम गरम मसाला डाला है, और उसको डाल के मिक्स करके, और इसको मैं ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे लगभग 5 मिनट पकने दूंगी। तो देखिए, 5 मिनट के बाद सब्जी का आप टेक्सचर देखिए, कितनी मस्त सब्जी बनी है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी। मैं कैसे बताऊं आपको, आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा। तो यहाँ सब्जी मेरी बनकर तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता डालने के बाद मैं इसे ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए
और छोड़ दूंगी ताकि धनिया का फ्लेवर भी सब्जी में पूरी तरह से चला जाए। और चलिए अब इसको हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार है, आलू और मखाने की। तो फ्रेंड्स आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे आप रोटी के साथ खाइए, पराठे पूड़ी किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी और बहुत यमी सब्जी बनती है और बनाने में भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आपके पास घर में कोई ऑप्शन नहीं होता है कि कोई सब्जी नहीं है तो उसके लिए बेटर चॉइस है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।